जनरल पब्लिक है और उनका व्यू लेकर के आते हैं। आज शिवांगी नहीं है, वो भी बहुत खुश महसूस कर रही होगी। मैंने उनसे शर्त लगाई कि हार गई वो। वैसे तो देखिए, मैंने पहले कहा था कि इंडिया इस वाला मैच तो जीतने वाली है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि इतना जोर से मैच होने वाली है। आज जिस तरीके का मैच हुआ है, शानदार, 7 रन से जीता, कौन सोच सकता था कि इंडिया इतना क्लोज लेकर के जाएगी इस मैच को। यही देखने के लिए, देखिए यही तो क्रिकेट है ना, यही क्रिकेट ही जाना। आज क्रिकेट की जीत हुई शिवानी। फंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट। और जिस तरीके से इंडिया ने आज जो बैटिंग करी है, देखिए अंग्रेजी में कहावत होती है शिवानी, कहते हैं कि इंग्लैंड हैव गॉट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। आज उनको पता लगा कि बल्लेबाजी कैसे करी जाती है। देखिए जब रोहित फॉर्म में आएंगे, आज तो चलिए उन्होंने 27-37 रन छोटी सी पारी खेली, लेकिन बहुत बेशकीमती पारी थी वो। और उसके बाद जो ऋषभ पंत ने स्पेशली जो बैटिंग करी, फिनोमिनल। आज जो हार्दिक पांड्या ने बैटिंग करी है, फिनोमिनल। देखिए थोड़े से मैं कहूंगा थोड़ा सा लकी नहीं रहे, आज उनको शतक पूरा करना चाहिए था, बट बहुत अच्छी बैटिंग करी। हाँ, हालांकि थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट ये हुआ कि 50 ओवर नहीं खेल पाए। कहीं लास्ट के ओवरों में मुझे लगा कि आज कृणाल पांड्या टच में नहीं थे, थोड़ा सा उनका ठीक है, सबका दिन होता है, शायद उनका दिन नहीं था, तो पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी नहीं करी। और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने शुरुआत में ओवरों में गेंदबाजी करी, इंग्लैंड उसी समय बैकफुट पर आ गया था, लेकिन सैम करन को दाद देनी पड़ी। देखिए आज महेंद्र सिंह धोनी बहुत खुश होंगे शिवानी। क्या महेंद्र सिंह क्यों खुश होंगे? क्योंकि जो ये अपने सैम करन है, ये सीएसके की टीम के लिए खेलने वाले हैं। और मुझे तो लगता है कि एमएस धोनी जिस तरह के कप्तान है, सैम करन को मुझे लगता है 1 डाउन 2 डाउन ही उतारने वाले हैं। जिस तरह की बैटिंग, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो पुछल्ले क्रम के बल्लेबाज है। जिस तरीके से उन्होंने शॉट लगाए, आपने शॉट देखे होंगे, मैं तो उनके शॉट देख रहा था, खासकर जो लॉन्ग बॉल की तरफ वो शॉट मार रहे थे, वो फिनोमिनल शॉट थे। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो चाड़ा मार रहे हैं, पैर रख करके शॉट मार रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी करी, वो भी शतक डिजर्व करते थे, 100 डिजर्व करते थे। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इट, बट शानदार गेम। मैं तो बहुत खुश हूं इंडिया जीता। ऐसे ही गेम देखने के लिए देखिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। फंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट। और मुझे लगता है कि गेम, लेकिन इंडिया की भी जीत हुई है, गेम की भी जीत हुई है। फंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट। कोई और सवाल पूछिए। फिर आप भुवनेश्वर कुमार की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भुवनेश्वर कुमार की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं आप बताइए। ऐसा लग रहा था कि जो भुवनेश्वर कुमार है, बाकी बल्लेबाज जो है, बाकी गेंदबाज पुणे की पिच पे बॉलिंग करा रहे हैं और भुवनेश्वर कुमार जो है हडेले की पिच पे बॉलिंग करा रहे हैं। कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि जो भुवनेश्वर कुमार है वो पुणे की पिच पे बॉलिंग करा रहे थे। फंटास्टिक बॉलिंग। आप देखिए जिस तरीके की उनका बॉल सीम हो रहा था, जिस तरीके उनका बॉल स्विंग हो रहा था, फिनोमिनल। क्या आप अंग्रेजों जो इंग्लिश बैट्समैन थे, अंग्रेज के जो बल्लेबाज थे, उनके दिमाग में भय पैदा कर दिया भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरीके से वो बॉलिंग करा रहे थे। और देखिए उनके पास कोई एक्सप्रेस पेस नहीं है शिवानी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। वो 150 की स्पीड पे गेंद नहीं फेंक सकते, वो 145 नहीं फेंक सकते, लेकिन उनको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे स्टिक करते हैं और उस पर ही फोकस करते हैं। नकल बॉल उनका इतना बेहतरीन है, और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में ही जो झटके दे दिए अंग्रेज पर, अंग्रेज उससे नहीं उबर सके। फंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट। और मुझे तो लगता है दुनिया के नंबर एक गेंदबाज का खिताब भुवनेश्वर कुमार को मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात शिवानी और अपने दर्शकों को और बताना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को, वो ये है कि देखिए भुवनेश्वर कुमार, आपको ये भी मानना पड़ेगा 2 साल बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। और इसमें जो है, देखिए वैसे तो मैं क्रिटिक नहीं हूँ एनसीए का, लेकिन इसमें एनसीए की बहुत बड़ी गलती है। एनसीए नेशनल क्रिकेट अकादमी, क्या उनको हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम होता था, वो एनसीए जाते थे, वहां पर ठीक होने के बजाय 2 ओवर करते थे, फिर उनका निकल आता था, उससे उनका 2 साल बर्बाद किया। और उसके बाद इस तरह की वापसी करना, मुझे तो नहीं लगता कि और किसी गेंदबाज के लिए पॉसिबल होता। मैंने बड़े बड़े गेंदबाज देखे हैं जो एक बार चोट से फिर कभी उबर नहीं पाए ना। जिस तरीके की इन्होंने जो आज गेंदबाजी करी है, मुझे तो लगता है मेरे मैन ऑफ द मैच तो भुवनेश्वर कुमार होंगे। देखिए अगर वो रॉय का विकेट शुरुआत में ना लेते, अगर वो जॉनी बेस्टो जिस तरह का विकेट ना लेते, तो मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया ही मैच जीत सकता था। तो मेरे मैन ऑफ द मैच भुवनेश्वर कुमार। शिवानी इससे पहले कि हम लोग आज के लिए विदा लें अपने व्यूअर्स के लिए, मैं आपसे सबसे चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए एक बड़ा एफर्ट लगता है, एक हमारी पोस्ट प्रोडक्शन टीम है, कैमरे के पीछे खुशी है जो बैठी हुई है, एक हम लोग पूरा एफर्ट डालते हैं ताकि आपके पास ट्रू कंटेंट पहुंचे। जैसा कि शिवानी ने बताया कि मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूं, उन्होंने बोला, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं एक कॉमन पीपल का व्यू लेकर आता हूं। मेरा बैकग्राउंड आई एम का ये भी एमबीए है, हमारी टीम भी सब एमबीए, जो एक कॉमन लोगों का व्यू लेकर कहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक दें कि हम कहाँ सही कर सकते हैं। कुछ और भी जानना चाहते हैं, पिंक बॉल के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि जो उस दिन पंत को 4 रन्स नहीं अवार्ड किए गए, वो क्यों नहीं अवार्ड किए गए, तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख करके दें। कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच।